मेरा ये मानना है कि लोक कलाओं का, लोक शैली का इस्तेमाल किए बिना साक्षरता का आंदोलन खड़ा करना लगभग असंभव है। छत्तीसगढ़ जो लोक कला और लोक संस्कृति से बड़ा समृद्ध है, हमारा जिला दुर्ग उस छत्तीसगढ़ में ही आता है, और यहाँ पर जो कुछ भी साक्षरता आंदोलन के जरिए हम हासिल कर सके उसमें लोक कलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। लोगों तक यदि पहुँचना है तो हम किसी विदेशी संगीत या नाट्य शैली के जरिए नहीं पहुँच सकते, हम उस गीत संगीत के जरिए ही पहुँच सकते हैं जो लोगों के रग रग में बसा हो, लोगों के घर में हो, आंगन में हो, चूल्हे के पास, उनकी रसोई में हो, काम करते वक्त जिन गीतों को लोग गुनगुनाते हों उस शैली में हम यदि लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं तो ज़्यादा संप्रेषणता अच्छी होती है और लोगों तक बात पहुंचती है। और इस बात को हमारे ज़िले में हम सब लोगों ने समझा और बड़े व्यापक रूप में लोक संस्कृति का इस्तेमाल हमने साक्षरता के आंदोलन को खड़ा करने में किया। हमने सबसे पहले हमारे ज़िले में एक लोक कला महोत्सव का आयोजन किया था जिसमें लगभग 600-700 लोक कला मंडलियों ने भागीदारी दी, और उस भागीदारी के फलस्वरूप हमने हजारों की संख्या में ऐसे कलाकारों को पाया जो लोक कला की शैली में पारंगत थे, और हमने उन्हें अपना आशय समझाया और लोगों के उत्थान, लोगों के विकास, लोगों की उन्नति के लिए साक्षरता की ज़रूरत को समझाया, उनने महसूस किया और उस संदेश को वो अपने माध्यम से घर घर तक ले जा सके। यहाँ पर महिलाओं की जागरूकता को लेकर विशेष रूप से काम हुआ है, और केवल सामाजिक रूप से महिलाओं को खड़ा करने के लिए हम ये मानते थे कि उनके आर्थिक आधार उनको दिया जाना चाहिए, तो महिलाओं की ऐसी बहुत सारी सहकारी समितियां जिला साक्षरता समिति ने बनाई है जिनमें नवसाक्षर महिलाओं को समूह में बांट कर, समूह में रखकर उनका उनमें जहाँ पर एक सम्मिलीकरण की भावना लाने का प्रयास किया है वहीं पर उनके आर्थिक रूप से खड़े होने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर जिले में 65 ऐसे समूह बने हैं जिसमें 15-15 महिलाओं के समूह हैं, नवसाक्षर महिलाएं हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली, जिनको खाने पीने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी, मजदूरी करनी पड़ती थी, शोषण का शिकार होना पड़ता था, ऐसी महिलाओं के समूह बनाए हैं। और वे महिलाएँ जिन्हें ड्वाकरा योजना के अंतर्गत 15,000 रुपये का अनुदान मिलता है सीड मनी के रूप में, उन 15,000 रुपये की सीड मनी से ये महिलाएं अपने छोटे छोटे रोजगार इन्होंने स्थापित किए हैं। किसी ने मिठाई बनाने के डब्बे, किसी ने चटाई झाड़ू बनाने का काम, कहीं किसी महिला उद्योग महिला समूह ने अगरबत्ती बनाने का काम हाथ में लिया है, कहीं पर मसाला बनाने का काम हाथ में लिया है, कहीं पर डिटर्जेंट जो साबुन होता है वो बनाने का काम हाथ में लिया है, कहीं मछली पालन का काम लिया है। हमारे डोंडी लोहारा ट्राइबल ब्लॉक है, वहाँ पर एक गांव है पीपरखार जहां की 26 महिलाओं ने संगठित होकर एक नौ साक्षर सहकारी समिति बनाई है, और वो देश की पहली नौ साक्षर महिला सहकारी समिति है जो आदिवासी महिलाओं की है, जिसने 7 तालाब लीज पर लेकर मत्स्य उत्पादन का काम आरंभ किया है और 1 साल में 4 लाख रुपए का व्यवसाय किया है उन लोगों ने। जो महिलाएं 15-20 रुपए की मजदूरी के लिए विवश थी वे आज साक्षर होकर अपने अधिकारों को समझकर शासकीय योजनाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए वे अपने पैरों पर इस दम से खड़ी हुई हैं कि आज उनसे कोई भी जाकर किसी भी तरह की बात करता है तो वो अपने उत्तर देती हैं, जवाब देती हैं और दफ्तरों में जाकर बहस करती हैं उनके अधिकार के लिए।
राम 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 बड़ दिन में दिखा था गया। सब बने बने हबो ना, सब तोरे मन के दया है बाबू। अरे सब बने बने तो हमार कृपा है, लेकिन तोर पर विशेष टाइप की कृपा है। कैसे आहस चुकारा झोके पर आए हो? हैं चुकारा झोके पर आहस था गया के महीना हो ए बाबू, कार मजाक कर था है? अरे मैं कहां मजाक करत हो था गया। अरे तोर बनीला पूछा था, तोर बनीला वो तो रजिस्टर में लिखा है। हैं रजिस्टर में समारोह मंगलू चेतु बुझानु है। ठगिया 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 ए जिस ठगिया बड़ बोली मिलता ठगिया। 15 दिन काम करे हस, 10 रुपया के रोजी के भाव से 100 रुपया होते तो आई 15 दिन काम करे हां और 100 रुपया भर तो का मेला भारी मारा था। देख ले रे तोला कमती लागा फिर 5 रुपया मोट हले और ले दूं तो 10, 20, 30, 40, 50 और ये 50, 100 रुपया और ये 5 रुपया मोट डाले। वाह अरे मैं दस्तखत कर। हम दस्तखत कभी नहीं करे यार। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लान तोर हाथ में बड़ को और हिट गया। अरे ये हाथ ला नहीं, वो ये हाथ ला। कैसे बाबा आप बने हैं ना? ते बने च का हाथ रहे बाबा, का धरे है पढ़ाई लिखाई में? बने करे बाबा, ये ठगिया ला नहीं पढ़ाए ना, बने च करे। अगर ये ठगिया पढ़े रहती तो वो मेड बाबूला ओकर हाथ धरे के मौका कहाँ मिलती। ये ठगिया जेन हा तोर घर के बहू आए, ये ठगिया जेन तोर घर के लाज आए, ये ठगिया जेन तोर घर के इज्जत आए। आज वही ठगिया के इज्जत था नीलाम होए बाजार के बाबा। अगर ये ठगिया ला पढ़ा लिखा दे रहते, ये ठगिया अगर साक्षर हो जाए रहतीस तो वो मेड बाबू ला नहीं बोल देतीस कि हे बाबू छोड़ हमारा अंगूठा ला, आओ ते हमला कलम दे, हम दस्तखत करबो। छोड़ हमारा अंगूठा ला, हम कलम दे। बाबा बाबा मैं पढ़ू, बाबा बाबा मैं पढ़ू। हाँ बेटी अब ते जरूर पढ़ दे और साथ ही साथ हम महू पढ़ू। और तो मान सुन ले हो, मत पढ़ा हुआ बन बहू बेटी मल्ला। अगर पढ़ा लिखा दे हो साक्षर हो जाही तैसन धोत मान ला हाथ धरे के मौका कहाँ मिली, बिल्कुल मत पढ़ाना। और तो मन सुन ले रे, तो मन बुढ़ाकू घिसना बेटा, पिक्चर जाना, टाइम पास कर देना, फिर ज्ञान दान मत देना कोई। काबर ज्ञान दान दे दू ना तब गधा और तुहार में अंतर हो जाही रे। ये अंतर नहीं करना है, मत पढ़ाना कोई ला। बस बाबा बस, अब अतक पनी मन आज ले हमन पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। फिर दे मल्ला पूछो पढ़े लिखे भाई मत तैयार है? पढ़ो बस, यही जोश
यही संकल्प के जरूरत है आज हमारा देश ला। पूरे छत्तीसगढ़ में विशेषतः दुर्ग ज़िले में लोक संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। नाचा, पंडवानी, सुआ, पंथी, इन सभी लोक कलाओं का काफ़ी प्रचार प्रसार पूरे ज़िले में है और इनके बहुत से एक्सपोनेंट्स और बहुत से फॉलोअर्स हमारे ज़िले में चारों तरफ बिखरे हुए हैं। जब साक्षरता अभियान की शुरुआत यहाँ पर हुई तो स्वाभाविक तौर पर इन लोक शैलियों का प्रयोग करने का प्रयास किया गया और जो उसका पब्लिक अप्रूवल प्राप्त हुआ, जितनी आसानी से हमारे संदेश जनता तक पहुंचने लगे, उसे ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक कम्युनिकेशन का कार्य लोक कला के माध्यम से ही किया गया। पंडवानी शैली का भी उपयोग सीमित मात्रा में हुआ है, उतना व्यापक उपयोग तो नहीं किया गया जितना नाचा शैली का किया गया है, लेकिन जो विश्वविख्यात इनके कलाकार हैं तीजन बाई या ऋतु वर्मा, इनका उपयोग भी हमने किया है छोटे मोटे कम जाने माने कलाकारों के साथ साथ। पंडवानी में सामान्यतया पौराणिक गाथाओं के प्रसंग लेकर के बातें कहने का प्रयास किया जाता है, सर्वाधिक उपयोग महाभारत का होता है। हमारे साक्षरता में जिस प्रसंग का सर्वाधिक उपयोग किया गया है वो जब द्रोणाचार्य चिड़िया एक बैठी हुई पेड़ पर उसे पांडवों को और कौरवों को दिखाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो अर्जुन के उत्तर से साक्षरता को जोड़ करके पंडवानी कलाकार अपनी बात कहते रहे हैं कि जिस तरीके से अर्जुन को चिड़िया की केवल आँख दिखती थी, उसी तरीके से अपना विद्याभ्यास करते हुए आपको केवल साक्षरता के लक्ष्य को अपनी दृष्टि में रखना है। ऐसे बात नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ नहीं होगा। अच्छा
साक्षरता अभियान में पढ़ के पांचवी पास करे हो बस। साक्षरता अभियान में पढ़ के पांचवी कक्षा पास करे वो। हाँ बाबा। तो भैया आप मान लो मैं साक्षरता के बारे में छोटे से प्रसंग सुनाता हूँ। अरे पांच भाई पांडव सौ भाई कारोल और गुरु द्रोणाचार्य तो स्कूल में बुलाते हैं भैया। बाबा पांच भाई पांडव सौ भाई कारो है तो कत कर सुंदर सभा में बैठे और गुरु है तो बोले क्या है बेटा द्रियोधन अर्जुन ला कथे। अच्छा जब पांचवा में अर्जुन ला
तो अर्जुन है तो साथ में भैया और धनुष बाण लेकर के पहुँचे लगी और प्रणाम करके बोले हाँ। कहा गुरुदेव हमला कौन कारण में बुला वाह वाह भाई। गुरु बोले कहा देख बेटा अर्जुन हाँ। अगर तोला कोई भी वृक्ष में चिड़िया बैठे नजर आत हो ही तो एक ही बाण से नेत्र निकाल के और लाके मोर चल। ए बात सुन के अर्जुन कथे देख गुरु जी हाँ जी मोला ना चिड़ई के आँखी भर दिखा दे। चिराई के आँखी भर दिखा थे आँखी भर बोला सिर्फ आँखी भर दिखा थे कुछ नहीं। हाँ जी। गुरु कहा वही चला लान के मोर चरण में भैया हाँ? ए बात सुन के अर्जुन और खींचे तुर से और मंत्र वाण करके मान में गुंजोड करके भैया अच्छा। गुरु ला प्रणाम करके हाँ जी। खींचा करा बनेगा और लाके तुरंत गुरु के चरण में रखे लाके चरण में लाके और जब गुरु के चरण में रख दी अच्छा तो एला देख के गुरु कथे जा हो बेटा अर्जुन तोर जय हो वाह वाह भैया हाँ। जब गुरु जी अब तक खुशी हो गए अच्छा तो जैसे द्रियोधान ला नहीं दिखी सो कर आँखी में काबर अरे वाला धन दौलत से मतलब है वाला पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं वाह वाह भाई। लेकिन अर्जुन ला देख अरे अर्जुन है इतना मेहनत करिस बिचारा दिन रात परान ला दे दे पढ़ाई लिखाई सही बात है। एकर से ती सबसे प्रिय शिष्य है दान और गुरु द्रोणाचार्य के गा अच्छा। एकर से ती अर्जुन है इतना श्रेष्ठ धनुर्विद्या में इतना श्रेष्ठ पढ़ाई लिखाई में तो कोई नहीं है वाह वाह भाई। भैया अर्जुन जैसे धनुर्विद्या कोई नहीं सीखिसगा अच्छा। बड़े भैया हाँ भाई इतना ला देखे तब उही समय में भील पुत्र एकलव्य हेतौन और धनुर्विद्या महु पढ़ाई लिखाई करहू की के पाठशाला में आए आवा के दोनों हाथ जोड़ के बोले क्या है गुरुदेव वावा। मैं बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हूँ हाँ जी महु थोड़ा बहुत शिक्षा प्राप्त कर लेते हो करके आशा करके आओ ए बात सुन के गुरु काके दिस का है भील पुत्र एकलव्य अरे यहाँ राजा राजा की पढ़ाई होते वाह वाह भाई। तो राजा ले यहाँ पढ़ाई जाते अच्छा। और कोई बाकी आदमी यहाँ आके पढ़ नहीं सके हाँ जी। ए बात सुन के गुरु के बात नरीश नहीं मानी भैया हाँ? और गुरु के बात नरीश नहीं मान के अपन मन में ठान ली अच्छा। कि मैं अवश्य पढ़ के बताऊँ अवश्य धनुर्विद्या सीख के बताऊँ वाह वाह। ए मन में अपन प्रतिज्ञा करके पढ़ाई के प्रतिज्ञा करके वहाँ से भील बेहतर जंगल के ओर चले लगी तोर मुरली में जा बिहारी लाल की।
किशोर होवत हे, पढ़े लिखे किशोर होवत हे, पढ़े लिखे किशोर होवत हे, पढ़े लिखे किशोर होवत हे। अंधियारी अंजोर होवत हे, अंधियारी अंजोर होवत हे, पढ़े लिखे किशोर होवत हे, पढ़े लिखे किशोर होवत हे। अंधियारी अंजोर होवत हे, अंधियारी अंजोर होवत हे, पढ़े लिखे किशोर होवत हे, पढ़े लिखे किशोर होवत हे। कलम किताब के संशोधन कर, 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 कलम किताब के संशोधन कर। सब पोकट में काम होवत हे, सब पोकट में काम होवत हे, अंधियारी अंजोर होवत हे, अंधियारी अंजोर हो।